हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं बढ़िया हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रही हूँ, दो दो टिफ़िन। तो सोचिए, राज रिद्धि दोनों ही स्कूल जाने वाले हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है कि दोनों बच्चे ही स्कूल जाने वाले हैं। तो बच्चों से ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि दोनों ही बच्चे मेरे स्कूल जाने वाले हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ये रहा राज का बैग और ये गया टिफ़िन उसके बैग में। और मैंने कुछ किताबें दी हैं उसे, और नया स्कूल जाने वाला है इसीलिए कुछ पुराने किताबें भी रखा है, ताकि उसकी टीचर देख सके कि क्या क्या वो पढ़ाई कर रहा है। और नया किताब मैंने 3 दिया है, जो भी चाहे वो यूज़ करेंगे। एंड ये रहा रिद्धि का बैग और ये गया टिफ़िन रिद्धि के बैग में। और मैंने उसे बस 2 ही किताब दी है, अभी नहीं दिखाती हूँ, बाद में वो पढ़ के आएगी तभी दिखा दूँगी आपको। तो चलिए उनको खाना खिला देती हूँ। यहाँ पे ये लोग दलिया खा रहे हैं और अपना कार्टून देख रहे हैं ये दोनों। उसके बाद जाएंगे स्कूल। आज रिद्धि के ड्रेसेस भी रेडी हैं, अभी पहन के जाएंगे वो स्कूल। अपनी बैग दिखाओ मम्मा। थॉमस मम्मा, आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? गोलूडा गोलूडा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, राज और रिद्धि दोनों ही स्कूल जाने वाले हैं, और दोनों रेडी भी हो चुके हैं। मैं भी रेडी हो गई हूँ जिम के लिए, मैं जिम चले जाऊँगी, वो दोनों स्कूल चले जाएंगे। दिखाती हूँ, रिद्धि तो सुबह से बैग लेके ही घूम रहे हैं, क्योंकि बहुत एक्साइटेड है वो स्कूल जाने के लिए, और अभी भी यही बैग लेके कह रही है यहीं पर। टाइम नहीं हुआ है मम्मा, अभी टाइम है जाने को, ठीक है? तो वो जितना एक्साइटेड हो नहीं हो, मैं तो ज़्यादा हूँ, क्योंकि पता नहीं वो क्या क्या करने वाले हैं स्कूल में। रिद्धि को तो कुछ भी नहीं आता, मतलब वैसे बातें करने में वो बहुत बड़ी बनती है, पर सुसु पोटी कुछ नहीं आता उसे, पता नहीं क्या करेगी। और मैं कहाँ भेज रही हूँ बच्चों को, राज के पापा के दोस्त हैं उनके यहाँ, राज और रिद्धि दोनों जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। जो पहले राज जहाँ जाता था वहाँ से मैं ले आई हूँ, क्योंकि उसकी टीचर इंडिया जाने वाली है, अभी छुट्टी होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे लेके आ गई, क्योंकि ना हम वहाँ छोड़ेंगे ही नहीं, मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती, हम छोड़ना नहीं चाहते वहाँ पे। तो यही अपनी आंटी के पास ही जाए पढ़ाई करें, हम पैसे देंगे उनके उनको दोनों बच्चों के लिए, बट जो पहले जहाँ जाते थे वहाँ नहीं छोड़ रहे हम, उसकी आंटी के पास ही जाएगी और उसकी आंटी ही पढ़ाएगी उसको। और भी 2-3 बच्चे आते हैं वहाँ पे, और जितने कम बच्चे होंगे तो उतना ही अच्छा है, क्योंकि हमारे बच्चों को वो ज़्यादा देखेंगे ना, तो इसीलिए ही मैंने छोड़ा है। और राज बस 6-7 महीने के बाद फिर स्कूल जाएगा ना, तो इसीलिए उसे स्कूल के लिए प्रिपेयर करने के लिए उसके आंटी के पास ही छोड़ रही हूँ। और रिद्धि तो जाएगी, अभी कलरिंग करेगी और देखते हैं क्या क्या करती है वहाँ पर। तो चलिए बाद में मिलती हूँ आपसे। चल राज। वही स्कूल जा रहे हैं ना, इसीलिए घर पूरा सोना सोना लग रहा है। और मैं जिम से आ गई हूँ, मैंने जिम में ही सवार ले लिया था और आके मैंने पूजा भी कर ली, सारा काम ख़त्म हो गया है। अब इंतज़ार कर रही हूँ कि राज रिद्धि कब आएंगे और आज क्या क्या पढ़ाई किया है। ऑलरेडी उसकी आंटी ने मुझे फ़ोन करके बता दिया है कि ये पढ़ाई किया है, ये सब बोल रहे हैं, सब अच्छा है। तो बस वो लोग आ जाए तो मैं मिलवाती हूँ। पाठ पढ़ के हंसी गले कोई बोल रहा है ये राज राय रिद्धि बस खर्चा ओके राय दीदी
दीदी मम्मा मम्मा क्या क्या पढ़ाई किया दिखाओ। माँ पूरा लाल हो गया मेरे बच्चे का गाल पढ़ाई करते हाँ गिवे क्या क्या पढ़ाई किया है देख लेती हूँ मैं। जैसे तुम्हें बहुत प्यारा आ रहा है। आजा 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 ओके देखने दो ये तो लास्ट पार्टी स्कूल इनमें कलर क्या है दोनों ने बहुत ही प्यारा कलर क्या है ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर एंड पिंक ग्रे कलर वेरी गुड एंड ब्राउन कलर एंड ग्रीन कलर एंड स्टार ब्लैक कलर एंड पिंक कलर एंड दिस वन ऑन कलर ऑरेंज कलर वेरी गुड एबीसी कूल आई डू देयर आई डू One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13. Oh, no, Mama, no. No. You're the Papa, no. Papa, no. अभी थोड़ा हम लुलू आए हमें थोड़ा शॉपिंग करनी थी राज के बर्थडे के लिए तो चलिए शॉपिंग करते हैं। देखिए हमने कैसे कैसे कैंडी लिया है कीड़ा जैसा कैंडी ये देखिए ये कीड़ा और आइसक्रीम हड्डी रिबन ऐसे बहुत सारे मतलब 15-20 तो होंगे उनके पास। मम्मी दांत है किसी के तो लुलू से शॉपिंग करते करते हमें बहुत भूख लग गई थी और घर फटाफट आए और हमने पिज्जा बनाया है और ये होममेड पिज्जा है आटे से बनाया है हमने और बहुत ही टेस्टी बना था गाइज। एंड चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ मिलती हूँ नेक्स्ट वाले व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना और न्यूली विजिट करो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्या क्या मैं शॉपिंग करके लाई हूँ वो मैं कल दिखाऊंगी। बाय बाय कल मिलते हैं।